दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है हमारे इस शानदार वीडियो में। दोस्तों, आपने कभी ना कभी बैडमिंटन और शटल कॉक के साथ तो ज़रूर खेला होगा, या फिर आपने स्पोर्ट्स चैनल में हॉकी, बैडमिंटन जैसे खेलों को देखा ही होगा। तो क्या आप जानते हैं कि बैडमिंटन, शटल कॉक और हॉकी स्टिक को फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है, या इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है? अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। शटल कॉक मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, शटल कॉक कई प्रकार के आते हैं, तो आज हम उन्हीं में से एक पंखुड़ी वाली कॉर्क की बनने की प्रोसेस को दिखाने वाले हैं। दोस्तों, इन शटल कॉक को बनाने में बत्तख के पंखुड़ियों का यूज़ किया जाता है। इन पंखों को फैक्ट्रियों के वर्कर्स बंडल के रूप में तैयार करते हैं। अब एक मशीन में प्रोडक्शन लाइन के जरिए 1x1 सॉर्टिंग मशीन में भेजा जाता है। इन मशीनों में खास तरीके के सेंसर्स लगे होते हैं, जो एक साइज वाले पंखों को अलग बक्से में डाल देती है और अलग शेप साइज वाले पंखुड़ियों को अलग करके दूसरे बक्से में डाल देती है। अब यहाँ पर एक खास चार्ट द्वारा इन पंखों के लंबाई को मापा जाता है। अब इसकी क्वालिटी को चेक कर लिया जाता है। अब इसकी क्वालिटी को जांचने के बाद इसे अगले प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। अब अगली प्रोसेस में, जहां सिंथेटिक रबर द्वारा कॉक के पिछले वाले हिस्से को बनाया जा रहा होता है। अब ड्रिल मशीन द्वारा प्रत्येक रबर के टोबी में कुल 16 छेद किए जाते हैं। अब इन सभी छेदों में बारी बारी से तैयार पंखुड़ियों को लगाया जाता है। अब यहां के वर्कर रबर में लगे टेढ़े मेढ़े पंखुड़ियों को सीधा करते हैं। अब अगली मशीन पंखों के जोड़ों पर ग्लू डालती है, ताकि पंखों के जोड़ और भी मजबूत हो जाएं। अब एक स्विंग मशीन इन कॉर्कों के पंखुड़ियों को धागे से सिलती है, जिससे इन कॉर्कों का शेप एक जैसा रहता है। अब इन कॉर्कों को शेपिंग मशीन में डाला जाता है, जिसमें इनके शेप पूरी तरह गोल हो जाते हैं, साथ ही साथ इसके पंखुड़ियों में चमक भी आ जाती है। अब इन सभी कॉर्कों की टेस्टिंग कर ली जाती है, तो फाइनली ये कॉर्क बनकर पूरी तरह तैयार हैं। अब इसकी पैकिंग करके बाहर बिकने के लिए भेज दिया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि बैडमिंटन को कैसे बनाया जाता है। जानने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बगल में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें, ताकि हमारी ऐसी ही वीडियो मिले आपको सबसे पहले। इन रैकेट्स को बनाने के लिए सबसे पहले मेटल से बने तारों पर कार्बन की पतली सीट को मेटल के चारों ओर लपेट कर इन्हें हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। अब इसे बाहर निकालने के बाद इसमें लगे कार्बन के पाइप को निकाला जाता है। अब इन स्ट्रिप्स को मोल्ड करके बैडमिंटन के ऊपरी सिरे को बना लिया जाता है। अब इन स्ट्रिप्स को बैडमिंटन के आकार वाले सांचे में गोल करके फिट किया जाता है, और साथ ही साथ इस गोले में रैकेट का निचला हिस्सा यानी लोहे के छड़ी को भी फिट कर दिया जाता है। अब इन सभी प्रोसेस के बाद इसे एक हीटिंग मशीन में डालकर इसके शेप को फिनिशिंग लुक दिया जाता है। अब रैकेट में लगे कार्बन के स्ट्रिप्स पर ड्रिल मशीन समान दूरी पर छेद करती है। अब इसके हैंडल, जो रैकेट के निचले हिस्से में लकड़ी का बना होता है, उसे एक कैप की मदद से फिट किया जाता है। अब इसके बाद इसे पेंटिंग रूम में भेज दिया जाता है। यहाँ पर पेंटिंग के साथ साथ इसमें अलग अलग कलर्स के डिज़ाइन को भी बनाया जाता है। अब इसके सभी जोड़ों पर ग्लू लगाने के बाद इसके हैंडल पर ग्रिप के लिए रबर को भी लगा दिया जाता है।
अब इनमें वायर्स को भी सील कर इन रैकेट्स की टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग हो जाने के बाद इसे पैक करके मार्केट में सेलिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो अब आखिर में आती है हॉकी स्टिक मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, हॉकी स्टिक को मजबूत बनाने के लिए इसे खास तरह के पेड़ के लकड़ी द्वारा बनाया जाता है। अब इस लकड़ी के मोटी सीट को एक जैसे रेक्टेंगुलर शेप में काट दिया जाता है। अब इस कटे हुए लकड़ियों को दूसरे वर्करों के पास ले जाया जाता है। यहाँ के वर्कर्स ये चेक करते हैं कि ये सभी लकड़ियाँ स्ट्रेट है या नहीं। अब इन लकड़ियों के पांच पांच करके कई सारे बंडल्स को बना लिए जाते हैं। अब इन लकड़ियों को खास तरह के लिक्विड के कंटेनरों में डाला जाता है और इस लिक्विड को गर्म करके इतना ज़्यादा उबाला जाता है कि इनमें मौजूद लकड़ियों के बंडल्स फोल्डेबल हो जाते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए कि ये लकड़ियाँ फोल्डेबल कैसे हो जाएगी तो थोड़ी देर रुकिए। तो इन बंडल्स को उबाल लेने के बाद इसे बाहर निकाल कर एक बेंडिंग वाली मशीन में डाला जाता है जो इन पांचों लकड़ियों को यू शेप में बैंड कर देती है। तो हो गया ना ये लकड़ी फोल्डेबल। दोस्तों, अगर आप भी हॉकी खेलते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब इसे सुखा लेने के बाद इसके बाहरी फ्रेम को निकाल दिया जाता है। इसके बाद इन बैंड हुए लकड़ियों को अलग करके इनमें ग्लू को लगा कर इसे फिर से जोड़ा जाता है और शेप फिनिशिंग के लिए इसे एक शेपिंग मशीन में डाला जाता है जिसमें इसके टेढ़े मेढ़े भाग को इस मशीन की सहायता से स्ट्रेट किया जाता है। अच्छी तरह से स्ट्रेट हो जाने के बाद इसके हॉरिजेंटल साइड्स को अच्छी तरह से रेत कर प्लेन किया जाता है। वहीं दूसरी ओर इसके ऊपरी हिस्से यानी हैंडल्स को बनाया जा रहा होता है। ये हैंडल्स भी वही रेक्टेंगुलर शेप वाली तीन लकड़ियों को आपस में चिपका कर और इसे मशीन के जरिए छील कर राउंड शेप दिया जाता है और वहाँ यू शेप वाली लकड़ियों के एक्स्ट्रा भाग को काट कर इसमें तैयार हैंडल्स को लगा दिया जाता है। अब यहाँ के वर्कर इनके जोड़ों पर ग्लू को लगाकर अच्छी तरह से फिट कर देता है। अब ग्लू सुखा लेने के बाद फिर से कटर मशीन में इसके एक्स्ट्रा भाग को काट लिया जाता है। तो अब ये लगने लगी है ना हॉकी स्टिक की तरह। अब इसके पूरे भाग को रेत कर चिकना बना दिया जाता है। अब इसे पॉलिशिंग करने के लिए इसके ऊपर वर्निश का पेस्ट लगाया जाता है। तो आखिर में इसके ऊपर पेंट किया जाता है और वर्करों द्वारा कंपनी का लोगो भी इस पर चिपकाया जाता है। अब इसके हैंडल में ग्रिप को लगाया जाता है। तो अब यह हॉकी स्टिक खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो कुछ ऐसे ही बनती है हमारी हॉकी स्टिक। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको भी जानना है कि फैक्ट्री में पेंसिल को कैसे बनाया जाता है तो बाएं वाले वीडियो पर क्लिक करके ज़रूर से देख लें। और अगर आपको जानना है कि फैक्ट्रियों में पैकेट वाला अमूल दूध कैसे बनता है तो दाएं वाले वीडियो पर टच करके देख सकते हैं।